हेलो दोस्तों, वेलकम। मेरा नाम है कमलवीर। आप देख रहे हैं लर्न विद लूसीफर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम मार्कस सिसरो की लाइफ और उनके ह्यूमन नेचर के बारे में व्यूज़ को जानेंगे। सबसे पहले उनकी लाइफ को देखते हैं। सिसरो का जन्म 106 बीसी में हुआ। वो रोम साम्राज्य में एक पॉलिटिशियन और एक लॉयर थे। उस समय के क्रूर शासक जूलियस सीजर, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, जूलियस सीजर का सिसरो ने कड़ा विरोध किया। और जब सीजर की मौत हो गई, सीजर की हत्या कर दी गई, उसके बाद रोम में जो रिपब्लिक सरकार बनी, गणतंत्रीय सरकार बनी, उसकी स्थापना करवाने में भी सिसरो का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, इसके बाद अगर आप हम उनके प्रभाव की बात करें तो जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, मोंटेस्क्यू और एडमंड बर्क, जो कि आधुनिक समय के ये सारे विचारक हैं, इनके पॉलिटिकल विचारों पर सिसरो का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सिसरो का पूरे यूरोपियन लिटरेचर पर ही बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। लगभग 19वीं सदी के आखिर तक पूरा यूरोपियन जो साहित्य था, लिटरेचर था, वो सिसरो के प्रभाव में रहा। देखिए, 19 सदियों तक सिसरो को ही जो ग्रीक फिलोसफी है, सिसरो ने ही वो रोम में लेकर आए थे। उन्होंने ही जो ग्रीक फिलोसफी थी, अरिस्टोटल की, सोक्रेट्स की या फिर प्लेटो की, उसे ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया। ठीक है, और उसे बाद में एक्शन में भी लेकर आए। सिसरो के ज़्यादातर राजनैतिक विचार उनकी बुक दी रिपब्लिका में मिलते हैं। शासन व्यवस्था की बात करें तो सिसरो मिक्स्ड शासन व्यवस्था के में विश्वास रखते हैं, जैसे कि अरिस्टोटल कहा करते थे कि जो मिक्स्ड ये शासन व्यवस्था है, रूलिंग सिस्टम है, यही सबसे बेस्ट है। ना लोकतंत्र बेस्ट है, ना राजतंत्र बेस्ट है, ना कुलीन तंत्र बेस्ट है, बल्कि बेस्ट वो है जो मिक्स्ड हो। ठीक है, सिसरो की बुक दी रिपब्लिका प्लेटो की रिपब्लिक बुक की तरह ही डायलॉग यानी कि संवाद की शैली में लिखी गई है, और इसमें प्लेटो की ही तरह सिसरो भी एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं। सो अब हम उनके ह्यूमन नेचर के बारे में विचारों को देखते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले वो कहते हैं कि मानव नेचर से एक तार्किक प्राणी है, यानी कि रैशनल बीइंग है। जैसे अरिस्टोटल ने कहा है उसी को सिसरो भी दोहराते हैं। वो कहते हैं कि मानव स्वभाव से सोशल है, सामाजिक प्राणी है। साथ ही सिसरो एक चीज़ और कहते हैं कि मानव तो सामाजिक है ही, लेकिन साथ ही कई तरह के जानवर प्रजातियां भी सामाजिक होती हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में सामाजिक होती हैं, इसलिए उन्हें हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। वो अच्छे तरीके से अपना समाज नहीं बना पाए हैं, संगठित नहीं हो पाती हैं वो जानवर प्रजातियाँ। ठीक है, देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि मानव रैशनल बीइंग है। ठीक है, इसलिए जो मानव स्वभाव है वो हमेशा सत्य की खोज में लगा रहता है। सत्य की खोज करना भी मानव के नेचर का एक एस्पेक्ट है। अगला पॉइंट है इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र रहना, और स्वतंत्रता की खोज मानव के नेचर का एक पार्ट है। सिसरो कहते हैं कि मानव अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी मनचाही परिस्थितियों में जीना चाहता है। लास्ट में है, मानव चाहता है कि सारी चीज़ें, सारा जीवन व्यवस्थित रहे, सिस्टमेटिकली हो हर एक चीज़। व्यवस्था बनाए रखना उसके स्वभाव का एक और हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स की आपने ह्यूमन नेचर की व्याख्या पढ़ी होगी, सुनी होगी, उसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो व्याख्या है, जो सभी चीज़ों को कवर कर देती है, वो सिसरो की लगती है। ठीक है ना, और सिसरो को तो हमारे पॉलिटिकल सिलेबस में बहुत कम पढ़ाया जाता है, ज़्यादा पढ़ाया जाना चाहिए। लास्ट में है कि सिसरो कहते हैं कि कानून के शासन में विश्वास रखते हैं, उनके अनुसार कानून का शासन होना चाहिए देश में, और उनके अनुसार कानून सबके लिए समान होना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही। अभी मेरे पास इतने ही नोट्स हैं। मैंने ये जितनी आपको चीज़ें बताई, इन्फॉर्मेशन बताई, ये भी मैंने इंटरनेट से कुछ वीडियोस देखी इंग्लिश वाली,
इसके अलावा कुछ विकिपीडिया से पढ़ा तभी ये दो चीज़ें बता पाया, लाइफ और उनके ह्यूमन नेचर के बारे में। अगर आपके पास नोट्स हैं तो प्लीज़ मेरे साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना। व्हाट्सएप का नंबर मैं अपना आपको दे रहा हूँ, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। सो मुझे नोट्स सेंड कर देना, अगली वीडियोज़ में तभी बना पाऊँगा। सो यही थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।